से पूछे जनकपुर के नारी बता दब वदेत काहे कारी बता दब वदेत काहे कारी बता दब प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी एक भाई गोर कहे एक भाई गोर कहे एक काहे दर्शकों को जय श्री राम और एक बार जोर से जय घोष हो जाए जय श्री राम का राजा रामचंद्र की ओम नमः पार्वती पते हर। तो देखिए इससे अलौकिक तस्वीर क्या हो सकती है क्योंकि 22 जनवरी को जब प्रयाण प्रतिष्ठा होनी है तो इसी बाल स्वरूप में ऐसे ही बाल स्वरूप में रामलला जो है विराजमान होंगे और आप देखिए माता सीता प्रभु श्री राम लक्ष्मण छोटे छोटे बच्चे जो हैं प्रभु श्री राम बन के 22 जनवरी को रामलला विराजमान होने वाले मन में खुशी हो रही है बहुत राम आ गए पहले ही राम दूसरी बार आ रहे हैं राम दूसरी बार आ रहे हैं मैं भी यहाँ पे आ चुका हूँ देखिए तो ये आपने सुना राम दूसरी बार है क्योंकि मैं पहली बार आ चुका हूँ आप लक्ष्मण बने आपके मन में क्या चल रहा है हमारे मन में बहुत अच्छा चल रहा है राम मंदिर फिर बन रहा है आप खुश हैं माता सीता आप भी आई हैं हाँ बहुत खुश नजर आ रही है हाँ है खुश है खुश है खुश है अच्छा इससे पहले आप लोग एक भजन गा रहे थे एक बार भजन गा लेंगे आप अपने आराध्य के लिए गाइए भजन कई बार सुना होगा लेकिन जब छोटे छोटे बच्चों के मुख से इस तरीके से हम भजन सुनते हैं तो अपने आप में एक मनमोहक दृश्य बन जाता है देखिए सरयू बह रही है यहाँ पर राम पधार चुके हैं और ऐसे ही बाल स्वरूप में आपको 22 जनवरी को राम लल्ला जो है वो विराजमान नजर आएंगे अच्छा क्या क्या है आपके देखिए हम धनुष भी देख पा रहे हैं आप कमंडल पहन कर आए हैं हार भी पहन कर आए हैं इससे पहले भी आप बताइए प्रभु श्री राम का सबसे अच्छी चीज क्या लगती है आपको मुझे उनका नेचर लगता है वो इतने शांत स्वभाव के हैं और उनके रहने का तरीका सब कुछ अच्छा एक बार देखिए अब तो अवध में राम आ ही रहे हैं तो एक बार वो भजन राम आएंगे आप गा ही रहे थे गुनगुना रहे थे एक बार गा लेंगे राम आएंगे तो अंगना सजाऊंगी दीप जला के दिवाली मैं मनाऊंगी मेरी जोनू के भाग आज खुल जाएंगे राम आएंगे मेरे जन्मों के सारे पाप मिट जाएंगे राम आएंगे राम आएंगे आएंगे राम आएंगे राम आएंगे आएंगे राम आएंगे मेरे भारत का बच्चा बच्चा जय जय श्री राम बोलेगा अब इतने प्यार से प्रभु श्री राम को कोई पुकारेगा कोई बुलाएगा तो प्रभु श्री राम क्या
सभी आएंगे। तो देखिए अब अयोध्या की जो है कायापलट हो चुकी है। अयोध्या में आपको कण कण में सिर्फ विकास की धारा बहती हुई नजर आएगी। देखिए इलेक्ट्रॉनिक बसेस भी, क्योंकि हाईटेक अब अयोध्या हो चुका है, कुछ इलेक्ट्रॉनिक बसेस भी आपको जो है अब सड़कों पर दौड़ती हुई नजर आएंगी। लेकिन विकास की धारा अयोध्या में किस तरीके से हाईटेक बह रही है, एक खास तस्वीर देखिए इस रिपोर्ट के जरिए। बाईस जनवरी को अयोध्या में राम आएंगे। यूं तो राम अयोध्या के कण कण में है, सभी पंच तत्वों में है, लेकिन 22 जनवरी को राम आएंगे अपने उस नव्य भव्य दिव्य दरबार में सदा सदा के लिए निवास करने, जिसके निर्माण के लिए 500 बरस रामलला को इंतजार करना पड़ा, संतों को तप करना पड़ा, राम भक्तों को रण करना पड़ा और आंदोलनकारियों को संघर्ष करना पड़ा। रामलला आएंगे तो राम भक्त भी आएंगे, पूरी अयोध्या नगरी राम भक्तों से खचाखच भर जाएगी। ऐसे में किसी भी भक्त को असुविधा ना हो, तकलीफ ना हो, परेशानी ना हो, इसका पूरा ख्याल योगी सरकार रख रही है। इसीलिए योगी सरकार ने 22 जनवरी से पहले अयोध्या को 100 इलेक्ट्रिक बसों की सौगात दी है, जिसमें सवार होते ही राम भक्त राममय हो जाएंगे और राम धुन में खो जाएंगे। राममय हुई यूपी की बसें, और आप देखिए किस तरीके से ये बसें हैं, पूरी राम धुन में ये सज चुकी है। और यहाँ पर आप देखिए तो प्रभु श्री राम की नगरी अयोध्या में आपका स्वागत है पूरे के पूरे। तो लगभग सभी प्रकार की तैयारियां पूर्ण हो गई हैं। बाईस जनवरी पौष शुक्ल द्वादशी भारतीय कालगणना में कूर्म द्वादशी है। अभिजित मुहूर्त है, मृक्षरा नक्षत्र है, प्राण प्रतिष्ठा दोपहर 12:20 पर प्रारंभ होगी। प्राण प्रतिष्ठा की का ये मुहूर्त श्रद्धेय गणेश्वर शास्त्री द्राविड़ वाराणसी, इन्होंने निर्धारित किया है। काशी अयोध्या के अनेक लोग उनको जानते हैं और उनके प्रति श्रद्धा से नमन करते हैं। कर्मकांड की संपूर्ण विधि वाराणसी के लक्ष्मीकांत दीक्षित जी, ये दोनों अपने अपने विषय के मूर्धन्य लोग हैं। प्राण प्रतिष्ठा की पूजन विधि कल 16 जनवरी से प्रारंभ हो जाएगी। पूजन विधि के लगभग सभी कार्य 21 जनवरी तक चलेंगे। बाईस जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा के लिए जो न्यूनतम आवश्यक पूजन विधि है वो होगी। जिस प्रतिमा की प्राण प्रतिष्ठा होनी है वो आप सब जानते हैं, पत्थर की है। हमारे अनुमान से
150 किलो से 200 किलो के बीच में उसका वजन होगा। खड़ी प्रतिमा, 5 वर्ष का बालक का स्वरूप, जनवरी को प्रतिमा गर्भगृह में अपने आसन पर खड़ी कर दी जाएगी। जिस प्रतिमा की प्राण प्रतिष्ठा होती है उसको अनेक प्रकार से निवास कराया जाता है।